हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई के शेयर पे। फ्रेंड्स, इनके क्वार्टरली रिजल्ट आ गए हैं। आप सभी को पता ही होगा कि भाई क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आए हैं, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। और गिरावट का रीज़न आई थिंक आपको पता ही होगा कि पूरी मार्केट क्रैश कर रही है, तो ये भी क्रैश कर रहा है। और पूरी मार्केट के क्रैश करने के बहुत सारे रीज़न हैं जो हम थोड़े बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हम इसमें कवर करने वाले हैं, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे अगर इसमें आपने अपनी पोजिशन बना रखी या फिर आप बनाना चाहते हो। तो ये वीडियो हेल्पफुल आपके लिए जरूर रहेगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यहाँ पे भी आज जो हमें गिरावट देखने को मिल रही है वो 4% से भी ज़्यादा की देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो देखो, गिरावट का रीज़न है कि भाई जो पूरी मार्केट में क्रैश है उसकी वजह से। अब पूरी मार्केट में क्रैश क्यों है भाई? ग्लोबल जो सेंटिमेंट है वो बिगड़ा हुआ है, और जो भाई ग्लोबल मार्केट है उसमें आपको क्रैश देखने को मिल रहा है। वहाँ पे भाई बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि इसराइल और ईरान के युद्ध की संभावना, और अमेरिका में जो अभी जो रिजल्ट सेशन चल रहा है वो बड़ी बड़ी कंपनीज अच्छे रिजल्ट नहीं दे रही हैं। और ग्लोबल मार्केट में भाई जो यूएसए है, यूएसए में जो इनफ्लो डाटा है वो बढ़ गया है, मतलब बेरोज़गारी बढ़ के आई है। तो इस वजह से बहुत सारे ऐसे रीज़न हो गए जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट पूरा क्रैश कर चुका है। और भाई ग्लोबल मार्केट क्रैश की वजह से ही हमारे मार्केट में क्रैश आपको देखने को मिल रहा है, हमारी मार्केट की वजह से इसमें भी आपको क्रैश देखने को मिला है। लेकिन इसका एक रीज़न हो रहा है जो कि इनके क्वार्टरली रिजल्ट, समझते हैं थोड़े बहुत। जैसे शॉर्ट में अभी हमने डिस्कस किया है कि भाई रिजल्ट कैसे आए हैं, फिलहाल आ गए हैं जो हम रिजल्ट यहाँ पे देखने वाले हैं। एसबीआई का मौजूदा वित्त वर्ष की पहली मतलब क्वार्टर वन के में जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेस पे करीब 1% बढ़ के आया है, जो कि 17,035 करोड़ के आसपास का रहा है। हालांकि तिमाही आधार पर मुनाफा मतलब भाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इनका 17.7% की गिरावट आई है। भाई क्वार्टर देखो, ईयर ऑन ईयर बेस पे 1% की बढ़ोतरी, क्वार्टर टू क्वार्टर अगर कंपैरिजन करते हैं तो 17.7% की गिरावट के साथ है, मतलब ख़राब आया रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। यहीं पे बैंक का ग्रोस एनपीए जुलाई तिमाही में 2.21% था, जो पिछले तिमाही में 2.24 था। भाई ये एनपीए भी गिर के आया, मतलब रिजल्ट कुछ खास हमें देखने को नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से भी स्टॉक में आपको और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। अब ये गिरावट कहाँ तक देखने को मिलेगी वो हम चार्ट पे समझेंगे। चलते हैं चार्ट पे। फिलहाल हम चार्ट पे आ गए हैं, और यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट था जो था 822, उसके नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 810 पे ये ट्रेड कर रहा है। अब कैसा माहौल यहाँ पे देखने को मिलेगा? देखो, यहाँ पे एक जोन है जो कि मैं आपको दिखाऊं कि कौन सी जोन है। एक मिनट, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एक जोन है, ठीक है। यहाँ पे आज स्टॉक इसी के बीच में ट्रेड कर रहा है। अगर ये इसका ब्रेकडाउन कर देता है, जो ये जोन है जो कि 800 के आसपास की है, अगर इसका ब्रेकडाउन कर देता है तो ये 731 तक जाता हुआ नज़र आ सकता है। बाकी देखते हैं, क्योंकि देखो रिजल्ट है वो ख़राब है, ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट बिगड़ा हुआ है, मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आपको देखने को मिल रहा है, तो भी हो सकता है कि थोड़ा सा प्रेशर स्टॉक में अभी भी देखने को आपको मिल जाए। बाकी और कोई ऐसी अपडेट आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। अगर भाई बात करें ऊपर के लेवल की, अगर 822 के ऊपर भाई ब्रेकआउट देके कंफर्मेशन दे देता है तो भाई ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अभी प्रेशर स्टॉक में देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट भी तो अच्छे नहीं आए ना, तो थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ नज़र आ सकता है। हायर हाई हायर लो बनाता हुआ भाई, सॉरी, लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ, हायर हाई तो अपसाइड जाएगा ना, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ ही डाउन साइड आपको आता हुआ नज़र आ सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कि स्टॉक में कैसा माहौल आपको देखने को मिलेगा, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। और कोई भी ऐसा डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और इस वीडियो का मोटिव ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ है, मैं किसी को पर्सनल रिकमेंड नहीं करती कि आप स्टॉक में बाई करो, सेल करो या होल्ड करो।